नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है खालीपन। रानी अकेले बैठी बरामदे में चावल से कंकड़ अलग कर रही थी और अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छाप जाती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रानी की मुँह बोली बहन माधुरी। अरे रानी कैसी हो? बस दीदी ठीक ही हूँ। रानी अपना दर्द छिपाकर नाश्ता चाय का इंतजाम करने में लग जाती है। रानी की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और रानी का हाथ पकड़ कर बोली, रानी कैसे तुम यह सब बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती, अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से रानी सहम सी गई और बोली, दीदी सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दलहीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के पहले साल में ही अतुल और मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने अतुल के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। अतुल के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। अतुल शादी के पहले दिन से ही नशे में नाचने लगा। जब ये सब देखा तो मेरी आंखें कौंध में कौंध गई। यकीन नहीं हुआ कि जिस अतुल को मैं जानती हूँ वो ये नहीं है। उसकी हरकतें लोकलाज और मर्यादा को तार तार करती रही। शुरू शुरू का प्यार, इसी बीच में दो बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी अतुल का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती। मुझे अतुल के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए था। उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। माधुरी सच सच बताओ वीना से, अतुल तू तेरे साथ मारपीट भी करता है? सबके सामने तेरा अपमान करता है? तेरी आँखों के सामने दूसरी लड़कियों से बात करता है? क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक अतुल अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई दीदी, अब तो दो बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है माधुरी। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी औरत के मुँह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। दीदी एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं जानता। दीदी अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा हैं, इनके सहारे उम्र गुजार लूँगी, माधुरी समझा कर अपने घर चली जाती है। रानी फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। शाम को जब अतुल आया तो रानी ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन अतुल गुस्से में रानी को घर से निकलने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है, मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा मैं। अरे तू अपने माता पिता की नहीं हुई, तू मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियाँ किसी की नहीं होती। अतुल की बातों से आहत होते हुए अतुल को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए रानी पैर पकड़ती है, लेकिन अतुल तस से मस नहीं हुआ। तभी अतुल की बेटी श्वेता, जो 12 साल की हो चुकी है, आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्माती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और रानी को बोलती है, चलो माँ हम कहीं भी रह लेंगे पर इस इंसान के साथ अब यहाँ नहीं। रानी अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर पर रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई सालों बाद आज सब्जी लेने रानी बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको अतुल दिखा। बहुत दीनहीन हालत में रानी को देख उसके पास आकर बोला, रानी कैसी हो आज इतने साल बाद? तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। हाँ लेकिन आप बहुत बदल गए, ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? अतुल रोते हुए, तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था, फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय बेसमय पर जो मिला जिंदा हूँ। रानी की आँखें भर आई।
और अतुल को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े लाकर दिया। बच्चों से भी बोला कि अपने पिता को माफ कर दें। फिर उसके बच्चों ने भी उसे माफ कर दिया और अतुल भी उस दिन शपथ लेता है कि आज के बाद रानी को और उसके बच्चों को कभी भी दुख नहीं देगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।